पर तुम्हें तो वो तरस भी नहीं आया ना मुझ पर, अकेला छोड़ के जाना चाहती थी मुझे। मुझे माफ कर दे। अब वो घर आ गई है, ठीक है। चला तेरा शुक्र, पता है मैं इतनी दुआएं मांग रही थी रात से, नफलें भी मान ली थी। से नहीं सहा जा रहा अफान भाई, फवाद की बेरुखी, उसने मुझे ठुकरा दिया। जब तक ये अमल नाम का कांटा मेरी जिंदगी में है, मेरे ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे। मरने का ड्रामा करके मेरी सुहाग रात का ख्वाब तोड़ दिया उसने, लेकिन अपनी जिंदगी का ख्वाब नहीं तोड़ने दूंगी। क्या जबरदस्त आइडिया दिया है तूने, इस तरह तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस एक बार इसकी शादी हो जाए, मेरे फवाद जी की जान छूट जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस आफत की पुड़िया से शादी कौन करेगा? सही, जो आजकल बड़ा देवदास बने घूम रहा। तेरा मतलब है कि अक्ल बंद हो गई है? भाई तू खुद बता, हमारी प्यारी अमल के लिए इससे बेहतर ऑप्शन और क्या है? नाजो मुझे लग रहा है तू गलत कर रही है, आग और पेट्रोल को साथ रखने की बात कर रही है। आग और पेट्रोल को साथ रख तो रही हूँ, लेकिन कभी एक नहीं होने दूँगी। इस अमल का तमाशा तो मैं अब देख रही हूँ। और अगर फवाद भाई के दिल में? कच्चा चबा जाऊंगी अगर उसके जहन में अमल का ख्याल आया भी तो। नाजो तू क्यों अमल को इस घर में लाना चाहती है? हर वक्त का खतरा तेरे सर पे मंडलाता रहेगा। खतरा नहीं नरगिस, नजर रखूं उसका क्या भरोसा, फवाद जी को उड़ा कर ले जा। इस घर में भाभी बनकर आएगी तो फवाद जी की भी नजर नीचे रहेगी। बस एक बार वो इस घर में आ जाए, उसका सांस लेना मैंने आजाद ना बना दिया तो मेरा नाम भी ना सुनना। हंसी थी ना मुझ पर वो, तुझे पता उसकी वो हंसी आज भी मेरे कानों में चुभती है। उसकी हर हंसी को मैं आंसू में बदल दूंगी। अमल की शादी हो गई तो सिर्फ जेठ जी से हो गई बस। नाजो बेटा ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या आप नहीं चाहती कि इस घर में खुशियां वापस आ जाए? ये आपको भी लगता है कि मैं इस घर का बुरा चाहती हूँ? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम भला क्यों बुरा चाहोगी इस घर का? तो फिर मेरी बात मान ले अम्मी। मैं आपको अम्मी कह सकती हूँ ना? क्यों नहीं मेरी जान, अरे मैं फवाद की माँ हूँ तो तुम्हारी भी तो माँ हूँ ना। फिर अगर बेटी का है तो बेटी मान भी ले। मुझसे आपका ये उदास चेहरा नहीं देखा जाता है अम्मी, अपनी बहन की जुदाई की वजह से मुरझा गया। वो बहुत जिद्दी है, मुझे तो इस बात का डर है कि वो अपनी जिद में कहीं इस हद तक ना गुजर जाए कि मुझे अपनी बहन की मोहब्बत से महरूम कर दे। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान रंजिशें पैदा हो गई, लेकिन इन रंजिशों को मैं ही खत्म करूंगी। इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि अब तुम में आई दूरियां और तकलीफें दोनों को खत्म कर दूं। हो गई गलती, दे बैठे दिल फवाद जी को, लेकिन कसम मेरी मासूमियत की अम्मी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। मैं तो बस खुद को बचा रही थी, अपनी मोहब्बत को बचा रही थी। कभी नहीं सोचा था कि अमल अपनी जान खत्म करने की कोशिश करेगी। आप मेरा यकीन करें, मैं सबसे माफी मांग लूंगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें,
ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब किस्मत का खेल था। और इस किस्मत के चक्कर से कौन बच सका आज तक? लेकिन हम अमल को तो बचा सकते हैं ना, जीजी को उनकी खुशियां भी वापस लौटा सकते हैं। अल्लाह ना करे अमल ने जो कुछ भी किया कहीं वो दोबारा ना कर बैठे। अरे खुदा ना करे कि मेरी अमल को फिर से कुछ हो। नहीं, फिर इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। देंगी ना मेरा साथ? अफान नहीं मानेगा। अम्मी हम मना लेंगे उन्हें। और फवाद? फवाद जी भी अमल की खुशी चाहते हैं, और अमल की खुशी इस घर से वाबस्ता है, और अमल को इस घर में लाने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। देंगी ना? सदा खुश रहो बेटा। खाला मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी इस घर में कदम रखने की? क्यों आए हो यहाँ पर? खाला प्लीज। नहीं हूँ मैं तुम्हारी खाला, समझे तुम? कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। सिर्फ कह देने से रिश्ता नहीं खत्म हो जाता? किस रिश्ते की बात कर रहे हो? वही रिश्ता जो तुम अपने हाथों से तोड़ चुके हो। ये रिश्तों की दुहाई कहीं और जाकर देना, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, समझे तुम? और निकल जाओ, और खबरदार जो आइंदा इस घर में कदम भी रखा होगा तुमने तो। मैं एक बार अमल से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसकी शक्ल तक नहीं देखने दूंगी, मिलना तो बहुत दूर की बात है। आप कुछ भी कर लें खाला, मैं अमल से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना कि अमल तुम अपने कमरे में जाओ, और तुम निकलो यहाँ से, वरना यकीन करो धक्के मार के निकाल दूंगी मैं। जिससे बात करनी थी मामा। अमल तुम प्लीज मामा। अरे आप कुछ चाहिए आप? तुम्हारा वक्त, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, जब देखो मसरूफ रहती हूँ। आप बिना हिम्मत, हर वक्त तो आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ मैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सारा वक्त मेरा, और यूं ही मुस्कुराती रहो। अच्छा बैठो यहाँ पर, तुम्हारे लिए एक चीज लेके आया था। क्या है? ये लो। क्या है इसमें? खोल के तो देखो। ये है मेरा प्यार। तुम्हें पता है मुझे बचपन से फूलों की खुशबू बहुत पसंद थी, और मेरी ख्वाहिश थी कि जिससे मैं मोहब्बत करूं उसे अपने हाथों से पहनाऊं। देख लो आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। आवारा औरतों का शेवा है ये फूलों के कंगन पहनना। मुझे तो पहले ही पता था तू आवारा है। आवारा क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे घबराहट होती है इनकी खुशबू से। लेकिन क्यों? मैं नहीं पहन सकती अहमद, आई एम सॉरी। फौजी अच्छा हुआ तुम आ गए। वरना मैं आने वाली थी, तुम्हारी वो सारे झूठ मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हो? क्यों अफसोस हो रहा है? नहीं, इस हसीयत में तुम्हें देखकर दुख हो रहा है मुझे। तुम्हारा
एक और झूठ, अपने एक और झूठ का बोझ देने आए हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे यकीन करो। यकीन? तुम्हारा यकीन ही तो किया था फवाद, मगर तुम्हारी यकीन की सजा ने मेरी जिंदगी को बेयकीन कर दिया, सब कुछ छीन लिया, मेरा मान, मेरा गुरूर। अब किस बात का यकीन दिलाने आए हो फवाद साकिर? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यूं मेरे सामने नजरें झुकाए बैठे होगे। जानते हो नजरें कौन झुकाते? जो मुजरिम होते। और तुम मुजरिम हो। मैं अपने जुर्म पे बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा? तुम और शर्मिंदा? ठीक है, तो फिर एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? नफरत और मोहब्बत का, झूठ और सच का। तुम अपने सारे झूठ ले लो और बदले में मुझे मेरे सारे सच मुझे वापस लौटा दो। प्लीज। मुश्किल है, नहीं दे सकते? प्लीज मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनो तुम्हारी बात? सारी जिंदगी तुम्हारी तो सुनती आई हूँ फवाद। तुमने जो कहा मैंने किया, और जब मेरे कहने की बारी आई तो तुमने मुंह मोड़ लिया। हाँ, मैंने अपना मुंह नहीं मोड़ा था। हाँ, तुमने मुंह नहीं मोड़ा, तुमने तो छोड़ा है मुझे, मेरा साथ, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत को। क्या देखने आया? तमाशा? मेरी मौत का तमाशा? तो कब का खत्म हो गया फवाद? सियाती की माफी मांगने आया हूँ तुमसे। तो मांगो ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर अफसोस, तुम्हें खैरात में भी माफी नहीं मिलेगी। सब कुछ जलकर राख हो गया, तुम भी, तुम्हारे झूठे वादे भी। चले जाओ फवाद, अपनी मोहब्बत की राख को समेट कर चले जाओ, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, चले जाओ। आंख नम हो गई, हाथ खाली, वक्त ने जिंदगी है चुरा ली, कांच के ख्वाब थे टूटे, सर्द आहें मिली, लोग रूठे, बारिश की तो एक बूंद है। नाल क्यों लाया?
की। क्या हुआ जेठ जी? कुछ भी नहीं। गाना पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे गाने सुनने का कतई शौक नहीं है। अगर आपको ये शौक है प्लीज इस कमरे में जरा वॉल्यूम कम रखिएगा, बाहर सब सोना चाह रहे हैं। नाराज है मुझसे? आपसे नाराज होने की मेरे पास कोई वजह नहीं, लेकिन आपकी ये बेरुखी तो कुछ और ही बता रही है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे मेरी मासूमियत की मिजाज के हर अंदाज से पहचान लेती हूँ, आंखों से दिलों का हाल बता सकती हूँ। Really? तो क्या दिखता है आपको मेरी आंखों में? खामोशी, गहरी खामोशी। आपका दुख मुझे भी दुख दे रहा, आपकी ये खामोशी मुझे भी पल पल मार रही है। मेरी वजह से आप कितनी अजियत में, लेकिन मेरा यकीन मानिए जेठ जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनकी हम कोई खबर नहीं होती, पता भी नहीं चलता। तो आपने मुझे माफ किया? जब मैं आपसे नाराज ही नहीं था तो माफी किस बात की? आप मेरे लिए हर रिश्ते में काबिले एहतराम हैं और मुझे रिश्तों की पासदारी करना आती है। गुड नाइट। सुनिए जी, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। लगता है अब तक मुझसे प्यार करता हूँ, इतनी खूबसूरत। तुमने तो छोड़ा है मुझे, मेरा साथ, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत को। तुम्हारा यकीन ही तो किया था फवाद, मगर तुम्हारी यकीन की सजा ने मेरी जिंदगी को बेयकीन कर दिया। मेरी जिंदगी से दूर चले जा। कहा हो तुम? तुम्हें किसी और का ख्याल भी है कि नहीं? कुछ हुआ है भाई। क्या मतलब कुछ हुआ है? अरे हम सब परेशान हैं, अगर हमारा नहीं तो नाजिया ख्याल तो कर लो। अभी दिन ही कितने हुए तुम्हारी शादी को? बेचारी परेशान है, इंतजार कर रही है तुम्हारा, बहुत बुरी बात है, सारी अनएक्सेप्टेबल। मैं आता हूं भाई। ओके।
आज जी आप काफी देर कर दी आपने, खैरियत तो? कुछ काम था। आप खाना खा के सो जाती? अम्मा कहती हैं कि अगर शोहर के बगैर खाना खा लें तो मोहब्बत में कमी आ जाती। मोहब्बत में ना सही, दोस्ती में ही सही, लेकिन मैं इसमें भी कमी बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों करती हैं आप मुझसे इतनी मोहब्बत? मैं इस लायक नहीं हूं नाज़। मैं तो ठुकराए जाने के काबिल हूं। किसने कहा आपसे कि आप मोहब्बत के लायक नहीं है? कोई नाज़ों के दिल से पूछा आपकी कदर, और क्यों ना करूं आपसे मोहब्बत में? इस मोहब्बत की वजह से ही तो मेरी सांस चलती है। देखें फवाद जी, मैं जानती हूँ जिन हालात में मैं इस घर में आई हूँ मुझे कबूल करना आसान नहीं, लेकिन जिस तरह इस घर ने, आपके घर वालों ने मुझे अपनी बाहें खोल कर कबूल किया, मेरे लिए तो अपनी ही नजर में मेरी अहमियत और भी बढ़ गई। मैं तो मकरूज हो गई आपकी मोहब्बत की। आप एक बहुत प्योर सोल हैं। ऐसी प्योरिटी आजकल कहाँ मिलती है? ऐसे ही रहिएगा। मैं तो कभी बदल भी नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ तब तक मैं इस घर में उस घर की खुशियों को कुछ नहीं होगा। बहुत अजीज है मुझे ये घर। खाना सारी तैयारियां हो गई। देखो शादी के बाद पहली बार मेरी बहन घर आ रही है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब बेफिक्र हो जाएं और जाकर अंदर जाके बैठ जाएं। देखो अगर नाज़ो की पसंद की कोई भी चीज नहीं हुई ना तो उसे बहुत बुरा लगता है। और वो कमरा सेट कर दिया था? अरे हाँ, वो तो मैंने सुबह ही कर दिया था। और अगर हमको कुछ भी चाहिए होगा तो वो हमसे मांगेंगे, उनका अपना घर है ना। नहीं नहीं, उन्हें मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी ये हमें खुद जानना होगा। अम्मा अहमद कहाँ हो? सत्यानाज आ गई, मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। बस एक मिनट। हाँ कसम से अम्मा, तुम्हारी डांट को बहुत मिस कर रही थी मैं वहाँ। अरे मैं भला कब डांटती थी तुझे? अरे अम्मा झूठ मत बोलो, तुम्हारा बोलना भी डांट से कम नहीं होता था। कान दुखने लगते थे मेरे, लेकिन अब सच पूछो तो यही आवाज सुनने के लिए तरस रही थी मैं वहाँ पर। पता वहाँ सब एक दूसरे कैसे बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे नीम नीम करके, ऐसे लगता है जैसे से गोशी कर रहे हैं। अरे तो बेटा सबका रवैया कैसा है तेरे साथ? अम्मा नाज़ो से बिगाड़ कर कहाँ जाएंगे सब? ऐसे अम्मा घर को तो काफी साफ सुथरा रखा हुआ। अरे सारा दिन फौजिया लगी रहती है, घर को तो संवार दिया है उसने। ऐसे मेरी भोली अम्मा संवारा नहीं है उसने घर, बस कुछ ही दिनों में कब्जा कर लिया। क्या ओलफोल बका करती है तू भी? सच कह रही हूँ, मान लो मेरी बात, दुआएं दोगी खुद ही। नाज़ो। अरे मेरा भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा देखो जरा कितना रूप चढ़ गया इसको, शादी रास आ गई है। वैसे भाभी जान कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही है। वो सच सच बता, भाभी जान ने हमसे पर्दा करना शुरू कर दिया या फिर हमारा आना यहाँ बुरा लगा उन्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कहाँ है? बहनों को वेलकम किया जाता है, उनसे पर्दा नहीं किया जाता।
अरे भाभी क्या हाल है आपका? ईमान से आपके बगैर तो इस महफिल में मजा ही नहीं आ रहा था। हम सबको भी सुबह से आपका बहुत इंतजार था। नाजो नाजो सुबह से छुट्टी टंगी हूँ, कैसी है? अरे भाई तैयारी करने में टाइम तो लगता है। बड़े ही कोई लश्कारे मार रही है तू ईमान से। चल चल कमरे में चल बातें करते हैं। चल ठीक है। अब भाभी मेरे लिए शरबत कमरे में ले आइएगा, साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी। तू क्या लेगी? क्या बोलूं? जल्दी बताना। अभी बस चाय। चाय नरगिस के लिए, चाय और बिस्किट। ठीक है चल, चल। क्या हुआ भाभी, आप ले आएंगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर लाई। ठीक है चल लो। खड़े खड़े देख क्या रही हो? जाओ नंद आई है, जो कहा है वो करो, जाओ। देखा नाजो, सच कह रही थी मैं, पूरे घर पे कब्जा कर लिया है, तेरा पत्ता कट गया है। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। नाजो का हक उससे कोई नहीं छीन सकता। मगर मेरी जान, ये राजधानी तो उस महारानी के नाम हो गई है ना। फिर अगर इस राजधानी में उसे नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी नाजो नहीं। एक सेकंड में पूरी बाजी पलट सकती हूँ मैं। सुन तू करेगी क्या? अरे आते क्यों चिल्ला रही है तू? मैं चिल्ला रही हूँ? मेरे कमरे की हालत किसने की है? हाँ बताए मुझे, मैं जानती हूँ बोझ थी आपके लिए, उतार के अपने सर से फेंक दिया मुझको। लेकिन अब क्या चाहती है? मेरी वजूद की एक एक निशानी को इस घर से खत्म करना चाहती हो तुम? हाँ पता है मुझे अम्मा, तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन इतनी नफरत भी मत करो कि मुझे अपने ही वजूद बोझ लगने लगे। अरे क्या बक रही है तू, हुआ क्या है? क्या हुआ? गौर से देखो मेरे कमरे को, देखो गौर से। ऐसा था मेरा कमरा, ये पर्दे मैंने लगाए, वो स्टैंड कहाँ, ये ड्रेसिंग टेबल ऐसे था, क्यों फेंकी ये मेरी चीजें तुमने? अरे किसी ने कुछ नहीं फेंका उठा के। तो कहाँ है, कहाँ है मेरे पर्दे, मेरा स्टैंड कहाँ पे, ड्रेसिंग टेबल क्यों ऐसे रख गए, किसने हाथ लगाया मेरी चीजों को? नाजो भाभी आपके कमरे की कुछ चीजें तो मैंने सेट की हैं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अच्छा ठीक है भाभी जान, फिर आप ऐसा करें कि इस कमरे के साथ साथ मुझे भी आग लगा दें, फिर शायद आप सबको ठंड पड़ जाए, सुकून मिल जाए। अरे क्या कह रही है नाजो, नाजो अरे नाजो मेरी बात तो सुन, ठहर जाना। क्या है अम्मा? अगर उसने सेटिंग चेंज कर दी तो कौन सी कयामत आ गई? हाँ अम्मा सब जानती हूँ, बस एक वही बेचारी है ना इस पूरे घर में, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना हंगामा? छोटी सी? अब्बा ये छोटी सी बात नहीं है, मेरे होने पर सवाल है। आज उसने मेरे कमरे की सेटिंग चेंज की है, कल को इस घर में मैं किसी को बर्दाश्त नहीं होंगी, जहर लगने लगूंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो ये सब क्या है, तुमसे किसने कहा था कि तुम उनके कमरे में जाओ? अगर चली गई थी तो कम से कम इजाजत तो लेनी चाहिए थी ना उनसे। अहमद ये घर मेरा भी तो है, और अपने ही घर में मुझे काम करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। तुमसे पहले ये घर नाजो का है, इस घर में उनसे पूछे बगैर कभी कुछ नहीं हुआ है, ना ही कभी आइंदा कुछ होगा, समझी? जी समझ गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा।
आप नाजो भाभी को इस बात का यकीन दिलाते। देखो गलती तुमने की है और सवारना भी तुम्हें ही होगा। जाओ जाके उनसे जाके माफी मांगो। माफी? मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम इतना रिएक्ट कर रही हो मुझ पर? ओफो, यहां हो तुम गए नहीं अभी तक? क्या हुआ, मैंने कहीं जाना था? मैंने कहा था ना तुमसे कि नाजो को लेने के लिए जाना है, भूल गए? ओ वो मेरी बात हो गई थी, थोड़ी सी बिजी हैं, नरगिस के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। पवार बेटा तुम खुश तो हो ना? क्यों नहीं लग रहा आपको? नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल नाजो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उसका मिजाज अलग है। बस मैं इसीलिए पूछ रही थी कि तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है ना उससे? एक जैसे मिजाज के लोग खुश हों ऐसा कहाँ लिखा है। हाँ वो थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी डिफरेंट है, मगर सादा सी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वो वाकई औरों से बहुत मुख्तलिफ है, उसके तौर तरीके थोड़े से अलग हैं, उसकी पसंद मुख्तलिफ है औरों से। माना कि उसका शादी करने का तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन उसे साबित कर दिया है कि वो एक अच्छी बीवी और अच्छी बहू है। बहू की बड़ी तारीफ हो रही है, खैरियत तो है माँ? भाई अगर बहू इतनी अच्छी हो तो तारीफ तो बनती है ना। माशाल्लाह से इसी तरह से जिस तरह से मेरी फौजिया की तारीफ उसके ससुराल में होती है। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची को। अच्छा कब जाओगे ये तो बताओ। बस मुझे कॉल आ जाए तो निकल जाऊंगा। अल्लाह, चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। चलो आगे चलते हैं। अब फवाद, मुझे लहरों से डर लगता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम्हारा मरना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। डर के आगे जीत होती है। डोंट वरी, मैं हूं ना। मुझे नहीं जीतना है। कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आओ चलो चलते हैं। बस तेरी कुर्बतों का जुनू है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकू है। सांस आए जो पाऊं तुझे मैं, किस तरह से बताऊं तुझे मैं। दिल जिद में पड़ा है सा, तुझसे जुड़ा है सा, हद से गुजर के भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर। अरे क्या है ये सब, इधर आओ। क्यों गुनाहगार कर रही हो मुझसे माफी मांग? और सच सच बता, किसने कहा है तुमसे कि मुझसे माफी मांगू? पागल, क्यों बिना वजह बेचारी से मुझसे माफी मंगवा दी तुमने? देखो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, बस प्यार से समझा देते तो मेरी भाभी समझ जाते, है ना? मुझे पता होगा तो
कभी ऐसा ना हो, आइंदा ध्यान रखूंगी। जरूरी है। देखो, मुझे अपनी चीजें बदलना या उनमें तब्दीली करना पसंद नहीं, और ना ही आपको। याद रखूंगी? जी, याद रखूंगी। मेरी प्यारी भाभी। तू इश्क है।